हाय मैम, कैसी हैं? मिलिए बिग बॉस की उर्फी से। आई एम वेरी सैड बिग बॉस के उर्फी पहले हफ्ते में आउट हुई है। आई एम रियली सैड, प्लीज पुट हर अगेन। काम करोगी वो जैसे बीच में कबाब में हड्डी घुस जाती है दो लोगों की। कौन परेशान किया आपको बिग बॉस हाउस में? सॉरी, ज्यादा कौन परेशान किया था आपको? दिव्या और जीशान और किसने, सबने देखा तो हुआ है यार, मतलब कनेक्शन ही तोड़ दिया, 3 साल की दोस्ती तोड़ दी उसने। फिर अब उसके साथ जो हुआ वो तो सबको ही पता है कल क्या हुआ है। कल जीशान भी निकल गए, ब्रेकिंग न्यूज़ आई। तो सच है कि भगवान है कर्मा। कर्मा भाई कर्मा, मेरी जबान बहुत ही, तो बच के रहना दुनिया वालों। मैं जो बोलती हूँ फिर तो लगता है लोगों को। हाँ, बट जीशान ने तुम्हारा कनेक्शन नहीं तोड़ना चाहिए था, आई फील। मैं उसके साथ एंड तक लॉयल रहती, दोस्ती निभाती यार 3 साल की। अरे तुम मुझे पहले मिलके जाते तो मैं तुझे बताती, अच्छा हलवा बना के जीशान को खिलाती। तो उसके कपड़े तो ओए होए, राहुल महाजन के कपड़े मैंने धोए थे, इतने गंदे, 100 सालों से उसके कपड़े नहीं धोए थे। बट देखो ना, दिव्या ने कितना अच्छा प्लान किया था, तुमने देखा उसको कैसे कनेक्शन तोड़ा और फिर तुमको घर से बाहर निकलना पड़ा। उसने एक तीर से 2 निशाने किए दिव्या ने, एक तरफ इसका कनेक्शन तोड़ा, फिर जीशान को पटाया, उसका कनेक्शन बनाया और इसको घर से बाहर कर दिया। यही काम है हर शो में जाके, वो यही करती है, उसका बस लड़कों को इधर उधर ऐसे ही पटाती रहती है। सो बट मैं चाहती हूँ बिग बॉस के उर्फी को वन मोर चांस मिले, शी शुड गो वन, आई मीन अभी वो जख्मी शेरनी है, जख्मी नागिन है, तो जाके अंदर बदला जरूर लेगी। बदला लेने वाला ही बाहर चला गया, किसके अंदर जाके बाहर आके बदला। हमारी सौतन भी तो है अंदर। हाँ, उससे भी थोड़ा बहुत उसको डस सकते हो जाके। जो मिस यूनिवर्स समझती है अपने आप को, वो मिस रियलिटी क्वीन अपने आप को समझती है। एक बार राखी सावंत से मिलाओ यार उसको, यहाँ पे है रियलिटी क्वीन, प्लीज टेल दिव्या। हाँ, वो डसती है सबको। और कितना डसोगी यार, जहर ही नहीं खत्म हो पा रहा, जो टंकी लेके आई है जहर की वो खत्म नहीं हो पा रही है उनसे, है ना? हाँ, चली रही है आंसुओं की टंकी उनकी लगी हुई है और जहर की टंकी भी यहाँ लगी हुई है। बताओ, अरे दोस्तों क्या मिस कर रहे हो यार, बिग बॉस देखो OTT पे जाके, 24/7 में आग लगी हुई है यार, जाके देखो। शमिता के गेम प्लान को कैसे देखते हैं शमिता शेट्टी? शी इज इन लव। अभी उनका थोड़ा पनप रहा है, क्या पता हमें शादी देखने को मिल जाए बिग बॉस में, हो सकता है। माय गॉड, ये इनके म्यूजिक क्यों चालू हो गया? हाँ, पता है शमिता शेट्टी को, राकेश बापट को प्यार हो गया है दोस्तों, मैं क्या बताऊँ आपको। बीच में वहाँ पे भी दिव्या टांग अड़ा रही है, दिव्या वहाँ पे भी टांग अड़ा रही है, तो ये पता नहीं कैसे उनकी लव स्टोरी पनपेगी बिग बॉस में। दिव्या बहुत अच्छा गेम खेल रही है, सबको डस रही है और सबके रिलेशनशिप में जा रही है, सबको लड़ा लड़ा के सबको भगा देगी, और एंड में जो फाइनल सलमान खान का बिग बॉस आएगा, एंड में वो जाएगी। हाँ, सलमान खान उनकी बैंड बजाएंगे, सलमान खान समझ जाएंगे सबको। सलमान जी तो किसी को नहीं छोड़ते, यही तो मैं चाहती हूँ। सलमान जी तो, दिव्या तुम्हारा जहर ऐसे एड़ी के नीचे पैर में ऐसे, ये देखिए ऐसे 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 तोड़ देंगे। क्योंकि देखिए, नो डाउट एवरीबडी इज प्लेइंग वेरी नाइस, बट आई एम अपसेट अबाउट हर, कि तुमको इतने जल्दी नहीं जाना चाहिए था। मैं हम लोग बिग बॉस हाउस में चलते हैं, मैं वापस पैटर्न बनाने वाला ड्रेस पहनती हूँ, तुमको उड़ाती हूँ ऐसे, तुमको बिग बॉस हाउस में वापस डाल देती हूँ। मैं कुछ स्पाइडरमैन मैं बैटमैन बन जाती हूँ, मैं कुछ तो दोनों बैटमैन चमगादड़ मैं स्पाइडरमैन और चमगादड़ बैटमैन, चमगादड़ आदमी नहीं, चमगादड़ वुमेन। वुमेन तुम चिपक जाना इस बार, जाके गेट से चिपक जाऊंगी, खोलो नहीं तो अब मैं नहीं निकल रही। बिग बॉस कितना भी बोलो उर्फी आउट उर्फी आउट, तुम बिग बॉस को बर्फी दे देना, मैं जाके कोने में छिप जाऊंगी, निकाल के दिखाऊंगी मुझे यहां से। हां, कैमरों की नजर, मैं कैमरों के तार उतर दूंगी जाके।